वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और सवाल आपके लिए लेके आए हैं जो कि सीजीएसएल में आया हुआ है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। हालांकि ये सवाल उतना टफ है नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी के हर बार हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएसएल हो जाए चाहे जो भी हो जाए, अधिकतर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा नंबर्स दिलाते हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, वो क्वेश्चंस अलग होते हैं। बट बाकी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं अगर आप डेली मैथ्स बना रहे हैं तो प्लीज़ फोकस करके बनाएं, क्योंकि मैथ्स ही आपको एग्ज़ाम निकलवाएगा, ठीक है। क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा पूरा मारना या वो इवन 20 भी मारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैथ्स ऐसा है कि इसके सिलेबस एक लिमिट है, तो उस लिमिट तो अगर हम हर दिन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालना आसान हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें सिंपल से ये बोला गया है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, मतलब एक काम को 12 दिन में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज, तो बी किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ विल टुगेदर कम, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/36। दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा, तो आएगा 36, 12 से कटाइए, 3 बार में ये कटा 1 बार में, ठीक है। तो यह जाएगा 4/36 कटा 9, 1/9, तो दोनों मिलके 9 दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका ये होता है कि हम ये जो नंबर्स ऑफ डेज दिया हुआ है, इसके एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, और हम मान लेते हैं कि टोटल जो टोटल काम है वो 36 है, ठीक है। तो ए हर दिन में कितना काम करेगा, हर दिन टोटल काम अगर 36 है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 36/12, 3। उसी तरीके से बी कितना काम कर रहा है, 36/36 एक दिन का एक काम कर रहा है, तो टोटल कितने काम हो गए एक दिन के, 4 काम, ठीक है। ओके, इन दोनों को मिला के ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 1, दोनों को मिला के एक दिन का 4 काम। टोटल काम ने कितना बना था, 36, तो 36/4 करेंगे तो 9 दिन, 36 काम है और एक दिन में हम 4 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसे ही हर बार यूज़ करिएगा, नहीं तो फिर गलतियाँ ज़्यादा होगी। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।